डेढ़ लाख पेंशनरों की 2.57% बढ़ेगी पेंशन, फार्मूला तय। 100 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले स्कूलों में क्लस्टर बनाकर होगी शारीरिक शिक्षक भर्ती। हिमाचल में 15,000 लोग कैंसर से पीड़ित। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कैंसर रोग चिंता का विषय बन रहा है। प्रदेश में कैंसर से पीड़ित रोगियों की संख्या 15,000 तक पहुंच गई है। बड़ी बात यह है कि रोगी मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों से कीमोथेरेपी सेवाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिला अस्पतालों 10 कैंसर देखभाल इकाइयां स्थापित की गई हैं। इनमें ऑन्कोलॉजिस्ट और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन और टेली परामर्श के तहत कैंसर जाँच सुविधाएँ, IEC और कीमोथेरेपी उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक कुल 16,344 मरीज कैंसर केयर यूनिट में पंजीकृत हुए हैं। इन यूनिटों में 4,708 कीमोथेरेपी साइकिल उपलब्ध करवाई गई है। 100 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले सरकारी माध्यमिक स्कूलों में क्लस्टर बनाकर शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की शर्तों पर मंथन कर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। मंत्री ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने को युक्तिकरण करने का भी आश्वासन दिया। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक पवन काजल ने यह मामला उठाया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने शारीरिक शिक्षकों के रिक्त 870 पद भरने का फैसला लिया था। हिमाचल प्रदेश में करीब 1.5 लाख पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन देने का फार्मूला तय हो गया है। पेंशनरों को पेंशन देने के लिए 2.57 का गुणांक लगेगा, यानी उनकी 31 दिसंबर 2015 तक की पेंशन में 2.57% की बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर यह फार्मूला लगाया है। वित्त विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किए हैं। इनके अनुसार वर्ष 2016 में पेंशनरों की नई पेंशन को अब 31 दिसंबर 2015 की बेसिक पेंशन या फिर पारिवारिक पेंशन की तर्ज पर तय किया जाएगा। राज्य में 1 जुलाई 2016 से न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रतिमाह होगी। संशोधित पेंशन या पारिवारिक पेंशन को अगले उच्चतम रुपये पर संशोधित किया जाएगा। समय समय पर अंतरिम राहत दी जाती रही है, जो 21% दी गई है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के तनावपूर्ण माहौल के बीच यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हिमाचल प्रदेश के प्रशिक्षु डॉक्टरों की वतन वापसी की कवायद तेज हो गई है। शुक्रवार को पश्चिमी यूक्रेन की बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारत के करीब 2,000 प्रशिक्षु डॉक्टरों को सुरक्षित रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचाया गया है। इनमें प्रदेश के करीब 150 प्रशिक्षु डॉक्टर शामिल हैं। सूचना है कि 2 विशेष कार्गो विमान से 500 प्रशिक्षु डॉक्टरों को शनिवार सुबह दिल्ली पहुंचाया जाएगा, जिसमें हिमाचल प्रशिक्षु भी शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश के नगर निगम धर्मशाला के मेयर ओंकार नहरिया ने शुक्रवार को आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया। बजट पेश करते हुए मेयर ने हाउस में बताया कि नगर निगम की कुल प्राप्तियां और प्रारंभिक शेष 187.8 करोड़ रुपए की है। पिछले बजट की तुलना में इसमें 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि आगामी वित्त वर्ष में नगर निगम में अनुमानित कुल व्यय में करीब 14% की बढ़ोतरी हुई है। अगले वर्ष के लिए नगर निगम धर्मशाला का कुल अनुमानित व्यय 128.9 करोड़ रुपए होगा। बजट में आगामी वित्त वर्ष में विकास कार्यों के लिए हर वार्ड को मिलने वाले फंड में कटौती की गई है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में 4 साल और 2 महीने बाद शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज के 2 मैच धर्मशाला में 26 और 27 फरवरी को होने जा रहे हैं। पहला मैच लखनऊ में 24 फरवरी को खेला गया, जिसे भारत ने जीता। धर्मशाला स्टेडियम में पिछली बार 10 दिसंबर 2017 को भारत और श्रीलंका के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था, जिसे श्रीलंका ने जीता था। शुक्रवार को भारत और श्रीलंका की टीमें धर्मशाला पहुंची। गगला एयरपोर्ट पर 12:30 बजे श्रीलंका और शाम 4:30 बजे भारत की टीमें पहुंची।
हिमाचल में कृषि कारोबार और पशुपालन के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला ऊना के किसान भी अब कड़कनाथ मुर्गों के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जिला मंडी के साथ साथ ऊना में भी कड़कनाथ का फार्म खोलने जा रही है। इस फार्म की स्थापना पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर के नेतृत्व में पशुपालन विभाग कर रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा उपमंडल ऊना के जलग्राम गांव में स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म का मरम्मत कार्य जोरों पर चला हुआ है। इसके पूरा होने पर पशुपालन विभाग प्रदेश सरकार के कड़कनाथ मुर्गों को लाने के लिए 10 लाख रुपए के बजट की डिमांड करेगा। बता दें कि कड़कनाथ की मांस के बाजार में 1100 रुपए किलो मूल्य है। इसमें शुगर जैसी गंभीर बीमारियों के लोगों के स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 29 मार्च तक अंतिम मौका देते हुए परिवहन अपीली न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने पहले 1 महीने के भीतर ये न्यायाधिकरण स्थापित करने को कहा था, लेकिन 1 महीना बीत जाने पर भी सरकार इसे स्थापित नहीं कर पाई। कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि न्यायालय द्वारा बार बार पारित किए गए विभिन्न आदेशों के बावजूद राज्य सरकार ने एक स्वतंत्र राज्य परिवहन अपीली न्यायाधिकरण स्थापित करने पर कोई निर्णय नहीं लिया। पिछले 4 वर्षों से इस मामले को टाला जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हिमाचलियों की सुरक्षित वापसी के लिए हिमाचल सरकार प्रयासरत है। सरकार केंद्रीय विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में है। दूतावास से भी इसको लेकर चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ अभिभावकों से उन्होंने भी बात की है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ये मामला उठाकर सरकारी खर्च पर विद्यार्थियों की वापसी मांगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे लोगों की सुरक्षा का मामला गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में रोहित शर्मा का बल्ला खूब बोलता है। रोहित शर्मा ने T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस मैदान पर शतक जड़ा है। 2015 में खेले गए इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 106 रन की पारी खेली थी। हालांकि भारतीय टीम इस मैच को हार गई थी। इस मैदान पर रोहित कोहली के नाम सबसे लंबी साझेदारी का रिकॉर्ड है। 2015 में ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच में रोहित कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 138 रन की साझेदारी की थी। बांग्लादेश के तमीम इकबाल के नाम 60 गेंदों में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। धर्मशाला में अब तक 9 T20 मैच क्रिकेट मैच हैं वो खेले गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।